रहे हैं सुबह के 5:30, मतलब मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ, पूरा बर्तन वगैरह झाड़ू के करने में लेट हो गया। तो अभी हम जल्दी चलते हैं घाट और वहाँ पे सब कुछ देखते हैं। आज जैसे जैसे सूरज उगेगा हम अर्घ देंगे। और पता है आज बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल फील होता है, क्योंकि आज लास्ट अर्घ है और हमें बहुत, हम एक साल वेट कर रहे होते हैं तो आज लास्ट होता है, तो हम थोड़े से इमोशनल होते हैं। तो चलते हैं घाट में और एक्सप्लोर करते हैं हमारा छठ पूजा, आज लास्ट डे है। ये सारे बच्चे लोग घाट में ऐसे ऐसे कर रहे होते, देखो आप। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो लोग घाट से आते हैं उनका पैर मतलब धोया जाता है। शाम में मैं नहीं दिखा पाई थी, बट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो लोग घाट से आते हैं उनका पैर धोते हैं भाभी लोग। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, पैर धो रही है सबका। मैं आपको दिखाती हूँ छठ पूजा से घाट जाने के बाद जो लोग फास्ट करते हैं वो लोग, उसके बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ। अंदर में प्रसाद वगैरह बटेंगे, बट प्रसाद वगैरह बटने से पहले जो पास के मंदिरों में उनको पूजा किया जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड में रुको।
हम पूजा करके बजरंगबली में इसके बाद सबको मैंने हम प्रसाद खाए प्रसाद खाए इसके बाद सबको प्रसाद दिए इसके बाद सबको बांटेंगे वितरण करेंगे प्रसाद उसके बाद तब दाल चावल जो है घर में बना हुआ समझ गया छठ का निस्तार हो चुका है और अब जो सूप का प्रसाद होता है वो हम सबको बांटते हैं तो ये मुझे भी मिला है सूप का प्रसाद और ये रहा मोस्ट अवेटेड थिंग ठेकवा जो कि हम लोग एक साल से वेट करते हैं इस ठेकवा का प्रोसेस मैं कभी इन फ्यूचर जरूर बताऊंगी कैसे बनता है बट ये खाने के लिए तो सारे एक साल वेट करते कोई ओकेजन में बनता है बट जनरली जो छठ में खाने का मजा है वो कहीं भी नहीं है। ये लड्डू है ये चावल के लड्डू बने हैं ये वाला पानी फल और ये प्रसाद नॉर्मल जो सबको मतलब सबको बांटे जाते वो वाले प्रसाद है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाबू दिखाऊंगी जो काइंड ऑफ लेमन है तो वो अभी सूप हमारे पास नहीं आया अगर आ जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और अभी जब जो लोग घाट से आए मैंने आपको बताया बड़ी मम्मी लोग अभी थोड़ी देर में खाना खाएगी और अगर खाना खाने के बाद फिर वो मतलब वो 36 आवर्स के बाद वो नमक खाएगी मतलब 3 दिन बाद वो नमक खाएगी आज बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह हमारा छठ का सीरीज ख़त्म होता है। मुझे बताना आप लोग कैसा लगा आपको छठ का सीरीज और छठ आप मेरे साथ एंजॉय किए हो या नहीं किए हो और हम एक्सप्लोर करेंगे कोई और टॉपिक के बारे में या कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में। बाय। ऊपर करने के लिए रेडी रहिए। ओ वाह वाह क्या छोड़ लिया।